अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे कैरेमल ब्रेड पॉपकॉर्न, जो बहुत मज़ेदार और बहुत ही करंची होता है। बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ये क्रंच होता है और बहुत ही मज़े का ये होता है। और झटपट से हम बहुत थोड़े से सामान के साथ इसे हम तैयार कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेड के पीसेस, मेरे पास बचे हुए थे, मैंने इसे मीठा जो तैयार किया था, आज इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप चाहे तो पूरा अखा ब्रेड भी ले सकते हो और उसकी इस तरह से छोटे छोटे से हमें पीसेस कर लेना है। अक्सर हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, सोचा आज आपके साथ ये बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, और जो बहुत झटपट और बहुत ही मज़े की तैयार होते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे इसका कमेंट दीजिए। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के पीसेस को काट के तैयार करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक पैन रख दी हूँ चूल्हे पर, उसे थोड़ा गर्म कर लेंगे। जब गर्म हो जाए तो इसमें आधा पीसेस हम ब्रेड के डाल देंगे और आधा हम बाद में डालेंगे। ये 2 कप के करीब मेरे पास ब्रेड के पीसेस तैयार हैं और इसे मैं निकाल लेंगे। अब फिर से दोबारा हम बचे हुए पीसेस को डालेंगे, उसे भी गोल्डन होने तक बारीक आँच पर इसे हम सेक लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पैन मैंने रख दी हूँ चूल्हे पर, उसमें हम 1 कप शक्कर डालेंगे। हमें इसका कैरेमल तैयार करना है। इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी और शक्कर ये मेल्ट हो चुका है थोड़ा सा, इस वक्त हम इसमें 1/2 कप दूध डाल देंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर के डालेंगे। इसे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है हमारे कैरेमल में और बहुत अच्छी सी शाइन आती है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर और सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चूल्हा एकदम बारीक हमें रखना है और जब इस तरह से हमारे पकने लगा कैरेमल, उस वक्त हम चम्मच बिल्कुल हटाएंगे नहीं और इसे कंटिन्यू हमें इस तरह मिक्स करते रहना है जब तक कि ये ठीक हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। हमें बराबर चम्मच हिलाना है वरना हमारा कैरेमल जल सकता है। जलने से ये बहुत कड़वा सा टेस्ट इसमें आता है, इसीलिए हमें इसे कंटिन्यू चम्मच लगातार हिलाना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर हमारे कैरेमल में हो गया है। इस वक्त मैं ब्रेड के पीसेस को इसमें डाल देंगे और इसे फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मैंने बिल्कुल बारीक करके रखा है और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कैरेमल हमारे ब्रेड पीसेस पे कोट हो जाए। अब यहाँ पर एक ट्रे लेंगे और इसमें हम ब्रेड के पीसेस को डाल देंगे और इन्हें अलग अलग कर लेंगे वरना वो एक साथ जुड़ जाएंगे। सारे पीसेस को हमें इसी तरह से अलग अलग करके फैला लेना है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक ये सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर इसे हम इंजॉय करेंगे। लीजिए तैयार है कैरेमल ब्रेड पॉपकॉर्न। इसकी आवाज़ सुनिए कितना क्रंची है, आपको इसके साउंड से लग रहा होगा। ये बहुत ही क्रंची है और बहुत ही मज़े का है। इसे हम अपने बच्चों के साथ दीजिए, उन्हें दूध के साथ दीजिए, वो बहुत ही मज़े से इसे खाएंगे। और इसका कमेंट मुझे दीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।